डे सिक्स, आज का हमारा टॉपिक का नाम है थिंक एंड ड्रीम बिग। इस चीज को बड़ा सोचो। आपको मैं एक कहानी समझाना चाहता हूं। बेसिकली मैं जब स्कूल में पढ़ता था, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब मेरा एक टीचर था। मुझे एक टीचर ने मुझे एक बात कही थी जो अभी तक मुझे वो बात याद है। मेरे टीचर ने कहा था कि शहरयार, जिंदगी में ना तुम चाहे कुछ भी करना चाहते हो, जिंदगी में चाहे किसी भी मकाम पर पहुंचना चाहते हो, चाहे तुम कामयाब होना चाहते हो, किसी भी तरीके से कामयाब होना चाहते हो, कोई भी फील्ड में जाना चाहते हो, हमेशा मेरी एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी छोटा मत सोचना। हमेशा अपनी सोच को उठाओ और सातवें आसमान तक फेंक दो। तुम्हारी सोच और तुम्हारी बॉडी अलग अलग है। अपनी सोच को उठाओ और सातवें आसमान तक फेंक दो और अपनी सोच को बोलो कि तुम्हें ऊपर खींचे। आई गारंटीड यू, तुम्हारी सोच में इतनी ताकत है कि वो तुम्हें ऊपर खींचेगी और वो तुम्हें ऊपर लेकर जाएगी, क्योंकि तुम्हारी सोच में तुम्हारे अल्लाह ने इतनी ताकत दी है तुम्हें कि वो तुम्हें ऊपर लेकर जाएगी। हो सकता है, उन्होंने ये भी कहा मुझे, हो सकता है कि तुम सातवें आसमान तक नहीं पहुंच पाओ, कहीं कभी नहीं पहुंच पाओ, हो सकता है, लेकिन जमीन से ऊपर तो जरूर उठ जाओगे कभी भी। इस कहानी से मैं आपको सिर्फ एक लेसन देना चाहता हूं। जिंदगी में दो तरह के इंसान पाए जाते हैं, दुनिया में दो तरह के इंसान पाए जाते हैं। पहले वो जो हमेशा छोटा सोचते हैं, दूसरे वो जो हमेशा बड़ा सोचते हैं। मैं एक बात आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं। जो इंसान बड़ा सोचता है ना, उसके लिए वो इंसान नौकरी करता है जो इंसान छोटा सोचता है। जी हाँ, जो इंसान छोटा सोचता है ना, वो उस इंसान के लिए काम करता है और उस इंसान के लिए मेहनत करता है जो इंसान बड़ा सोचता है। बड़ी सोच आपको बड़ा बनाती है और छोटी सोच आपको छोटा इंसान लगती है। अगर आपकी सोच छोटी है ना, तो आपको छोटा इंसान बनाएगी, लेकिन बड़ी सोच आपको बड़ा इंसान ही बनाएगी। जैसे मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इस दुनिया में ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते। नहीं, ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत छोटा सोचते हैं अपनी जिंदगी में और उसको अचीव कर लेते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल ऑफ लिविंग अ मीडियोकर लाइफ इज बिकॉज दे थिंक स्मॉल। जिंदगी में ज्यादातर लोग आम जिंदगी जीते हैं, मिडिल क्लास जिंदगी जीते हैं, गरीब वाली जिंदगी जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं। और इंसान की सबसे बड़ी ताकत यह है, उस रब ने, उस खुदा ने इंसान को सबसे बड़ी ताकत यही दी है कि इंसान जहां तक सोचता है वह वहीं तक पहुंचता है। इंसान वहीं तक जाएगा जहां तक उसकी सोच जाएगी। और मैं तो जिंदगी में हमेशा ये बोलता हूं कि जो इंसान, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कल्टस के, होंडा सिटी के, सिविक के सपने देखते हो, कि अगर आप ये सोचते हो कि यार मैं जिंदगी में ऐसी गाड़ी लूंगा, अगर आप ये सोचते हो ना, तो आप कभी भी मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, फरारी, रोल्स रॉयस, इतनी बड़ी बड़ी जो करोड़ों की गाड़ी है ना, वो कभी नहीं चलाओगे। जी हाँ, अगर आप ये सोचते हो जिंदगी में, यार अगर जिंदगी में 50,000 रुपए भी आ जाए ना, जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, 60,000 रुपए भी आ जाए ना, जिंदगी मेरी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो आई गारंटीड यू दोस्त, आप जिंदगी में कभी भी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कभी जिंदगी में नहीं कमाओगे। क्योंकि इंसान वहीं तक जाता जहां तक उसकी सोच जाती है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है जिंदगी में, अगर जिंदगी में आप चाहते हो कि आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी चीजें हों, तो आपको सबसे पहले अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा, अपने नजरिए को चेंज करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, अपने ओपिनियन को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि इंसान वहीं तक जाएगा जहां तक उसकी सोच जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, 10x योर ड्रीम। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल, मैंने अपनी जिंदगी का ये उसूल बना लिया है कि मैं जो भी सोचता हूं ना, हमेशा मैं उसका 10x सोचता हूं कि मैं इस चीज को 10x टाइम कैसे कर सकता हूं। ये चीज मैं आपको समझाता हूं। आप फॉर एग्जाम्पल कोई सपना लेते हो, जैसे आप ये सोचते हो कि यार मुझे अपने अम्मी अब्बू को इस साल हज करवाना है अपने पैसों से। मैं ये कहूंगा कि आप इससे बड़ा भी सोचो ना, इससे बड़ा कुछ हो सकता है जिंदगी में। मैं इसी चीज को बड़ा करके दिखाता हूं, बड़े पर्सपेक्टिव से आपको करके दिखाता हूं। यार आप अभी अपने आप से ये सवाल कर रहे हो कि यार मैं कैसे अपने अम्मी अब्बू को अपने पैसे से हज करा सकता हूं। बनिस्बत इसके आप ये पूछो कि यार मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि मैं अपने पैसे से, मुझे इस, मैं इस ऐसा काबिल इंसान कैसे बन सकता हूं कि दुनिया के जितने भी लोग हैं ना, वो मेरे पैसे से हज करें। मैं इस काबिल कैसे जरिया बन सकता हूं कि मैं दुनिया के जितने भी लोग हैं ना, उनको हज करा सकूं।
मैंने जैसे पहले आपको बताया ना कि हो सकता है कि आप जितना बड़ा सोच रहे हो वो ना कर पाओ, लेकिन लेकिन जमीन से ऊपर तो जरूर उठ जाओगे ना। हो सकता है कि आप सातवें आसमान तक नहीं पहुंच पाओ, लेकिन जमीन से ऊपर जरूर उठ जाओगे ना। इसीलिए दोस्त, आप जैसा आज सोचते हो ना, कोशिश करो उसका 10x सोचो। जितने सपने, जितनी ख्वाहिशें आपकी आज है ना, कोशिश करो उससे कई बड़ा सोचो। अपनी जिंदगी में जितना बड़ा हो सकता है ना सोचो, क्योंकि ये सोच आपको बड़ा इंसान बना देगी, यही सोच आपको कामयाब बना देगी। आपको पता है कामयाब इंसान और नाकाम इंसान में फर्क क्या होता है? कामयाब इंसान ये देखता है कि कल क्या होने वाला है। कामयाब इंसान हमेशा अपनी सोच को ब्रॉड रखता है, हमेशा अपनी सोच को लॉन्ग टर्म लेकर जाता है। लेकिन जब नाकाम इंसान होता है ना, वो हमेशा आज की सोचता है, उसकी सोच हमेशा मजदूरों वाली होती है। जैसा कि मैंने एक वीडियो में ये डिस्कस भी किया है कि नाकाम इंसान ये सोचता है कि यार मैं आज जो काम कर रहा हूं ना, उसका रिजल्ट मुझे आज कैसे मिल जाए। लेकिन जो कामयाब इंसान होता है ना, वो ये सोचता है कि यार आज मैं ऐसा क्या काम करूं कि 5 साल बाद 10 साल बाद मेरे पास कंटिन्यूसली ये अच्छे रिजल्ट आ रहे हों, ऐसा इसका अच्छा से अच्छा रिजल्ट आ रहा हो। क्योंकि हर इंसान, ये दुनिया पेशेंस वालों की दुनिया है, जिस इंसान के अंदर सब्र नहीं है ना, वो इंसान कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। कहते हैं ना, सबर का फल हमेशा मीठा होता है। जी बिल्कुल, सबर का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आप सबर करना जानते हो, अगर आपकी सोच बड़ी है, अगर आपकी सोच दूर की तक की है, तो आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाओगे। यार अपनी औकात से बहुत बड़ा सोचो। कहते हैं ना, अगर जिंदगी में कभी भी अपने रब से मांगने लगे हो ना, कभी भी अपने रब से मांगने लगे हो ना, कभी भी अपनी औकात देखकर नहीं मांगना, हमेशा उस रब की शान देखकर मांगना। क्योंकि यार वो तो तैयार बैठा है आपको देने के लिए, लेकिन आप उससे इतना छोटा मांग रहे हो, इतना छोटी चीज मांग रहे हो। आप खुद बताओ, क्या ये उसकी खिलाफ नहीं है? हमेशा बड़ा सोचो, इतना बड़ा सोचो कि आपके साथ जो लोग हैं ना, अगर आप उनको बताओ ना, तो आपको वो पागल समझें। मैं सही बता रहा हूं। अगर जिस दिन आपके आसपास के लोगों ने आपकी बातें सुनकर, आपकी सोच को सुनकर आपको पागल कहना शुरू कर दिया ना, तो मेरे दोस्त उस वक्त यकीन कर लेना, आप कुछ अलग करने वाले हो, कुछ बड़ा करने वाले हो, और जिंदगी में आप बहुत बड़ी चीज उखाड़ने वाले हो। क्यों? क्योंकि जब तक आपको लोग पागल नहीं कहते ना, जब तक आप लोगों को गलत लगते हो ना, तो जिंदगी में आप उस वक्त ही तरक्की कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग एक ही पटरी पर दौड़ रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं, अगर हमें कुछ अलग करना है ना, अगर हमें कुछ अलग चाहिए इस दुनिया से, तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा जिंदगी में, उस लाइन में जाना पड़ेगा। 95% सिर्फ एक लाइन में दौड़ रहे हैं। हमें 5% के लोगों में अगर आना है ना, तो हमें 5% वाले काम करने पड़ेंगे। यही चीज आपको अलग बनाएगी। और सबसे बड़ी क्वालिटी 5% लोगों में, बड़ी सोच, बड़ी सोच, बड़ी सोच, बड़ी सोच। हमेशा जितना भी कहता हूं कम यार, बड़ी सोच अपनाओ। मेरी आज भी मुझे याद है, मैं आपको बताऊं तो मेरी बड़ी सोच की वजह से मुझे क्या असर हुआ मेरी जिंदगी में। जो मेरे साथ के आज दोस्त है ना, वो हमेशा छोटा सोचते थे, वो आज कहीं ना कहीं किसी 40-50-60 हजार की जॉब में स्ट्रगल ही कर रहे हैं। लेकिन आज मैं अपने एम्प्लॉयज को, जो मेरी टीम में लोग है ना, उनको मैं महीने 40-50 हजार सैलरीज देता हूं। बिल्कुल सेम तरीका है, और उससे ज्यादा मैं कमाता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने बड़ा सोचा। ऐसा क्यों हो पा रहा है? हालांकि मेरी और मेरे दोस्तों की एज तो सेम है। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मैंने बड़ा सोचा। हमेशा बड़ी सोच अपनाओ। बड़ी सोचोगे ना, बड़े इंसान बन जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, राइट योर ड्रीम्स ऑन अ पेपर। एक बात रखना, कभी भी जो चीज सोचते हो ना, जो चीज ख्वाहिश करते हो, जो चीज ड्रीम है आपका, उसको कभी भी अपने दिमाग तक नहीं रखना। क्योंकि दिमाग की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो भूल जाता है। जी हाँ, क्वालिटी है ये दिमाग की कि वो भूल जाता है। और सबसे बड़ी चीज भी है, अगर आप उस चीज को, जो आपके सपने हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, अगर आप उसको पेपर पर नहीं लिखोगे ना, तो आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा। और आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी इस चीज को नहीं, रियलिटी नहीं बना पाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि जब तक आप वो चीज लिखते नहीं हो ना, तो वो चीज आपको याद नहीं रहती। एक मैं आपको कहानी शेयर करना चाहूंगा। क्या होता है, एक टीचर एक लेसन दे रहा होता है क्लास में, ठीक है, दो स्टूडेंट बैठे होते हैं। अब एक स्टूडेंट पूरा लेक्चर समझाती है टीचर, अब एक स्टूडेंट उसी लेक्चर को याद रख लेता है, अपने दिमाग में याद रख लेता है। दूसरा इंसान, जो दूसरा दोस्त होता है उसका, जो दूसरा स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है, वो जो मिस बता रही होती है ना, उनके पॉइंट्स लिख लेता है। अब उसके बाद क्या होता है, बहुत टाइम गुजर जाता है, एग्जाम्स आ जाते हैं। अब उस लेक्चर का, जिस इंसान के पास, मैं आपको पूछूंगा, अगर किस चीज, किस इंसान को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से वो लेक्चर याद होगा,
आप कहोगे जिस इंसान ने लिखा था ना, वो उसको दोबारा रिमाइंड भी करा सकता है, दोबारा रिवाइज भी कर सकता है, जबकि जिस इंसान ने अपने दिमाग में स्टोर करा था ना, वो भूल चुका होगा। जी हाँ, वो भूल चुका होगा, क्योंकि उसने याद ही नहीं करा, उसने लिखा ही नहीं। क्योंकि जब तक इंसान लिखता नहीं है ना, तो वो जिंदगी में आगे कर भी नहीं पाता। जब तक आप लिख रहे हो ना, तो आप जिंदगी में आगे भी जाओगे। अपने सपनों को लिखो। कहते हैं जो इंसान अपने ड्रीम्स, गोल्स को, सपने को पेपर पर लिख लेता है ना, 90% चांस उसके इरादे, उसके सपने, उसके गोल्स जरूर पूरे होंगे। एग्जैक्टली। लास्ट पॉइंट, टू लिव बिग लाइफ थिंक बिग। जैसा कि मैंने आपको कहा ना, हमेशा अपनी बड़ी जिंदगी जीने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए जिंदगी में हमेशा बड़ा सोचो। हमारे आसपास के लोग हमें कहते हैं कि छोटा सोचो, छोटा सोचो, इतना बड़ा मत सोचो, ऐसी तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम ये चीज कर ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि तुम ये चीज कर पाओ। नहीं यार, आपके अंदर बहुत ताकत है। मुझे आज याद है, मैं आज आपको इतना मोटिवेट इसलिए कर रहा हूं और आपको इतना इंस्पायर इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आज भी याद है, कुछ लोगों ने मेरी जिंदगी में रोल प्ले किया था इस चीज का, जब मुझे सबसे ज्यादा लोगों की जरूरत थी, मुझे इंस्पिरेशन की जरूरत थी, मुझे मोटिवेशन की जरूरत थी, मुझे कुछ लोगों ने बहुत हेल्प की थी, बहुत ज्यादा हेल्प की थी, जिसकी वजह से आज मैं इतना काबिल हूं, इतना इस काबिल किया है मुझे कि मैं दूसरों को भी सिखा पा रहा हूं और कुछ बड़ा कर पा रहा हूं अपनी जिंदगी में, कुछ अच्छी चीजें कर पा रहा हूं जिंदगी में। क्यों? क्योंकि मुझे लोगों ने हेल्प की। अब मेरा भी तो ये फर्ज बनता है कि मैं दूसरों को कुछ सिखाऊं, जो चीज मुझे आती है वो मैं दूसरों को भी सिखाऊं, जिस चीजों ने मुझे इंस्पायर किया, मुझे मोटिवेट किया, वो मैं आपको भी सिखाऊं। इसलिए दोस्त, आप जिंदगी में कुछ बड़ा करो। जब तक बड़ा नहीं करोगे, आप जिंदगी में कुछ बड़ी चीजें अचीव भी नहीं कर पाओगे। और बड़ा करने के लिए, बड़ी चीजें अचीव करने के लिए आपने बड़ा सोचना है। बड़ा सोचोगे, जिंदगी में बहुत बड़ी चीज अचीव कर पाओगे। ये दुनिया सपने देखने वालों की दुनिया है, ये दुनिया गोल्स अचीव करने वालों की दुनिया है, ये दुनिया बड़े सोचने वालों की दुनिया है। याद रखना, अगर आप छोटा सोचोगे ना, तो आप उस इंसान के लिए जॉब करोगे जो इंसान बड़ा सोचता है, लेकिन अगर आपने बड़ा सोचना शुरू कर दिया, तो आप उस इंसान को नौकरी पर रख लोगे जो इंसान आपसे छोटा सोचता है। इसीलिए दोस्त, सब चीजें सोच की हैं। जो सोच आपको बड़ा बनाएगी और सोच आपको छोटा बनाएगी, डिपेंड ऑन योर चॉइस। बाकी उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई ना, तो आप लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती है ना, तो कोशिश करा करें शेयर जरूर करा करें, क्योंकि इससे दूसरों को भी वैल्यू मिलेगी, दूसरों की भी हेल्प होगी। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जितना भी मुझे आता है ना, मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। मेरा आपसे ये वादा है, हर चीज सिखाऊंगा। मेरा जो भी चीज, छोटी से छोटी चीज भी आती है ना मुझे, यार मैंने आपको जरूर सिखाना है, क्योंकि मुझे याद है किसी ने मुझे सिखाया था और मुझे जब जरूरत थी ना, कुछ लोगों ने मेरी हेल्प की थी। अब मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं दूसरों को भी सिखाऊं, दूसरों की भी हेल्प कर पाऊं। मेरा ये वादा है, मैं सब कुछ सिखाऊंगा। मैं मिलता हूं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।